सबसे पहले एक अंडा तोड़ेंगे, इसको फेंट लें। और जी अब हम लेते हैं एक प्लेट, इसमें डालेंगे हम हाफ कप दूध, और अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून शुगर, और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी हमारी घुल चुकी है, अब हम ऐड करते हैं इसमें अंडा जो हमने फेंटा था, इसको हम मिक्स करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सिनामिन पाउडर 1/4 टीस्पून, और अब हम ऐड करेंगे इसमें 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के, ये अब हमने ऐड कर दिया। अब तो नाज़रीन देखें कि ये जो मैंने दूध और उसमें जिसमें मैंने इसको चीनी को मिक्स किया है, दूध आपने थोड़ा नीम गर्म लेना है ताकि चीनी अच्छे से जल्दी से हल हो जाए। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। आप ये देखें कि अंडे का कलर चूँकि बहुत येलो नहीं होता, तो थोड़ा सा हम कलर देने के लिए इसमें ज़रदा रंग ऐड करेंगे। ज़रदा रंग हम ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि इसमें कलर आ जाए। तो ये हमने ज़रदा रंग ऐड कर दिया। तो नाज़रीन मैं बहुत जो सिंपल वाले जो फ्रेंच टोस्ट हैं वो बना रही हूँ। मेरे पास फ्रेंच टोस्ट की काफ़ी रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये मैं आपको जो बेसिक फ्रेंच टोस्ट हैं वो बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देखें, हम इसमें ऑयल या घी जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं इसमें। तो नाज़रीन ये देखें, हमारा मिक्सचर फ्रेंच टोस्ट का रेडी है। आप चाहें तो इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। और इस तरह से अब आप लेके और इस तरह हम देख लेते हैं कि हुए हैं इधर से, एक तरफ से राइट, ये नहीं हुए, ये भी नहीं हुए। तो जब एक तरफ से देखें गोल्डन हो जाए तो आप इनको इस तरह से पलटा दीजिएगा। आपको फ्लेम को बहुत स्लो रखना है ताकि ये क्रिस्पी और अच्छे बने। ये देखें, आप ये देखें कि मैंने फ्लेम बहुत स्लो रखी हुई है। तो आपने भी इस तरह से स्लो फ्लेम पे बनाने हैं तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन, दोनों तरफ से बड़े अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल या घी, और इसके बाद आप
ये देखें अच्छा सा इसको कोट कर लें, एक्सेस इस तरह से झाड़ लें थोड़ा। और ये हमने रख दिया। ये देखिए हम बाकी भी बना रहे हैं। तो नाज़रीन आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड से भी आप ये बना सकते हैं। अब जैसे मेरी बेटी को ब्राउन ब्रेड से पसंद है तो मैं ये देखें ब्राउन ब्रेड लेके उसका बना रही हूँ। आप इस तरह से ये ब्राउन ब्रेड पे भी मिक्सर लगा के बना सकते हैं। आप इसको बटर में बटर लगा के आप बटर में भी बना सकते हैं, घी में भी और ऑयल में भी। तो मैं इसको फ़िलहाल ऑयल में बना रही हूँ। तो नाज़रीन आज यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश में तो ख़ास तौर पे बहुत दिल चाहता है कि फ्रेंच स्लाइस खाए जाएं। इस तरह से आप इसे कट कर लें। यूं हम इस तरह से लगा देते हैं। और इसको अब आप गार्निश कर सकते हैं। तो नाज़रीन देखिए मैंने इसको इस तरह से स्ट्रॉबेरी सॉस से मैंने यूँ करके स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है जी, तो हमारे ये बेहतरीन से फ्रेंच स्लाइस तैयार हैं। और जो मैंने ब्राउन ब्रेड के बनाए थे आप वो भी देख सकते हैं। ये देखें ये मैंने ब्राउन ब्रेड से बनाए हैं। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो आप इस तरह से ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। ये मैंने ब्राउन ब्रेड के बनाए हैं। तो ये देखें हमारे दोनों ये तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए जी, तो कैसे लगी आपको आज की रेसिपी? ये मैंने आज खसूसी तौर पे फरमाइश पे बनाई है कि आपके लोगों की सबकी फरमाइश थी कि हमें फ्रेंच स्लाइस बनाना सिखाएं। ये बहुत बेसिक हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको और भी इसमें बहुत सी वेरिएशन हैं जो मैं आपको सिखाऊँगी। तो आज यहाँ पे बारिश है और चलिए अब हम ये सुबह का टाइम है और हम अपना नाश्ता इंजॉय करते हैं इन फ्रेंच स्लाइस के साथ। तो नाज़रीन बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसे लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंच स्लाइस देखिए जी कितने मज़ेदार हैं। फ्रेंच टोस्ट ये मैंने वाइट ब्रेड के बनाए हैं और ये मैंने ब्राउन ब्रेड के बनाए हैं।